प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आप लोग इसी तरीके से सने प्यार देते रहिए, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता बने। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं। मिथुन राशि का केतु, जैसा आपको मालूम है कि अगर केतु मिथुन राशि में हो तो नीच भाव का हो जाता है, नीच का हो जाता है। ये कुंडली के प्रत्येक भाव में, लग्न से लेके मीन बारहों भाव में अगर मिथुन राशि का केतु है तो क्या प्रभाव देता है। जिसके लग्न में मिथुन राशि का केतु हो ऐसे लोग शंकित होते हैं, मानसिक परेशानी रहती है, शादी ब्याह में रुकावट आता है। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में मिथुन राशि का केतु हो ऐसे लोग कभी आर्थिक मजबूत नहीं हो पाते हैं, कभी इच्छानुसार रोजगार नहीं मिलता है, हमेशा परिश्रम का रिजल्ट जीरो रहता है। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि का केतु हो ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन सही नहीं होता है, भाई बंधुओं से विवाद आता है, माता पिता के सुख भी कम पाते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में मिथुन राशि का केतु हो ऐसे लोग जीवन में कभी भी सुख शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, एक न एक संघर्ष इनके जीवन में बनी रहती है, हमेशा विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में मिथुन राशि का केतु हो ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, करियर अधूरा रह जाता है, ऐसे लोग को मनोबल डाउन हो जाता है, विल पावर डाउन हो जाता है। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में मिथुन राशि का केतु हो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, जिद्द क्रोध के वजह से जेल जाने की संभावना बनती है, केस मुकदमा लड़ना पड़ता है, हमेशा उलझनों में ही फंसे रहते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में मिथुन राशि नीच का केतु हो ऐसे लोग का कभी भी दाम्पत्य जीवन, चाहे महिला हो पुरुष हो, सुखी नहीं हो पाएगा, न शादी विवाह जल्दी होगी। जिसके कुंडली में आठवें भाव में मिथुन राशि नीच का केतु हो ये स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, शंकित रहते हैं, जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मिथुन राशि का केतु है ऐसे लोग राजनीति में असफल रहते हैं, व्यापार में असफल रहते हैं, नौकरी में उन्नति नहीं होती है, सस्पेंड हो जाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में मिथुन राशि का केतु हो ऐसे लोग कभी भी कर्जे से मुक्ति नहीं पाते हैं, हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं, विवादों में रहते हैं, ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, इनका जीवन जीरो हो जाता है। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में मिथुन राशि का नीच का केतु हो ऐसे लोग को जीवन में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, मेहनत का लाभ नहीं मिलता है, हमेशा उलझनों में रहते हैं और विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में मिथुन राशि का केतु हो इनके चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, ये सुखी नहीं रहते हैं, हमेशा उलझनों में व्यतीत रहते हैं, इनके औलाद भी इनके स्वभाव से भिन्न होते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा में और डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। अगर कोई मित्रगण को अपनी कुंडली का मेरे द्वारा विशेष विश्लेषण कराना है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए पूछ लीजिएगा, कुछ फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। इतना करते वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।